स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक महान यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कन्वोकेशन के बारे में। यूनिवर्सिटी इतनी महान है कि इसकी महानता एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कन्वोकेशन है वो 19 बैच के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट आ गया है और इसी को लेकर ये वीडियो मैं बनाया हूँ ताकि आपको इसकी जानकारी है वो मिल सके। तो जो भी लोग 19 बैच के स्टूडेंट हैं यानी 2023 में पास आउट हुए हैं, उन सारे लोग के लिए फर्स्ट कन्वोकेशन है वो यूनिवर्सिटी करवाने वाला था। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है फरवरी में, 17 फरवरी को, और जिसमें बोला जाता है कि मार्च में आपका कन्वोकेशन है वो होने वाला है और इसके लिए आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि सारे लोग जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसमें गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाता है, पेमेंट करने के लिए बैंक का डिटेल है वो दिया जाता है, जिसमें देखिए दो तरह का चार्ज रखा गया है। एक है जो कन्वोकेशन को फिजिकली अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 2700 रुपये रखा गया था, और एक है वो एब्सेंटिया मोड में बस अपना जो डिग्री है वो लेना चाहते हैं तो उनको 1500 रुपया है वो पे करना होगा। वो अगर डिग्री लेने थी तो वो लोग रजिस्ट्रेशन किए, बहुत सारे ऐसे थे जिनको कन्वोकेशन अटेंड करना था तो वो सारे लोग फिजिकल मोड में अटेंड करने के लिए 2700 रुपया है वो पे किए, उसके बाद कन्वोकेशन नहीं हुआ। दोस्तों, फिर से एक नोटिफिकेशन है वो आपको जून में 10 जून को आया, जिसमें बताया गया कि फिर से जो आपका कन्वोकेशन है वो बहुत जल्द ही होने वाला है और इसका एक एग्जैक्ट डेट है और डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी किया जाएगा। इसमें बताया गया कि आपको फिजिकली मोड में अटेंड करना है तो 2700 रुपया है वो पे करना होगा, और यहाँ पे जो 1500 वाला ऑप्शन था उसको गायब कर दिया गया। यहाँ पे भी पेमेंट डिटेल है, गूगल फॉर्म सारा कुछ दिया गया था। तो तब से लेकर के आज तक कोई अपडेट नहीं आया, यानी ये जून का नोटिफिकेशन है, उसके बाद कन्वोकेशन के बारे में कोई अपडेट नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी है वो कान में तेल डाल करके सो गया था, और दोस्तों अब पूरे 5 महीने बाद फिर से यूनिवर्सिटी है वो जाग गया है और कन्वोकेशन है वो करवाने जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कन्वोकेशन है वो इतने गुप्त तरीके से करवाया जा रहा है कि किसी को पता भी ना चले। इसके रिगार्डिंग नहीं कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नहीं कुछ बताया गया। जब उनको फॉर्म भरवाना था तो इस तरह का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, लेकिन अब कन्वोकेशन हो रहा है तो इसकी एक नोटिफिकेशन जारी करने में यूनिवर्सिटी का पेज है वो खर्च हो जा रहा है। कन्वोकेशन के बारे में बात करें तो कन्वोकेशन है वो आपका 9 दिसंबर 2024 को मंडे को होने जा रहा है और इसका रिहर्सल है वो यूनिवर्सिटी में 7 दिसंबर को है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कन्वोकेशन है वो ओनली टॉपर या फिर मेडलिस्ट जिसको बोल सकते हैं उन सारे लोग के लिए है, बाकी दूसरे लोग के लिए नहीं है। बाकी अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जो टॉपर नहीं है वो अगर 2700 रुपया दे करके अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। यहाँ पे बस टॉपर लोग जाएंगे, उनको मेडल सर्टिफिकेट और जो भी देना होगा वो वहाँ पे मिल जाएगा, और इसके लिए 7 दिसंबर को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, रिहर्सल होगा और 9 दिसंबर को आपका कन्वोकेशन है वो होने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरह का मैसेज है वो सर्कुलेट किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कन्वोकेशन फिजिकली अटेंड करने के लिए 2700 रुपया है वो यूनिवर्सिटी को पे किया था, लेकिन उन्हें कन्वोकेशन अटेंड करने नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों यूनिवर्सिटी ऐसे कर रही है और उनको पैसे लेने के बाद भी अटेंड करने नहीं दे रहा है, तो ये तो यूनिवर्सिटी ही जवाब दे सकता है। तो बाकी लोग हैं जिनको डिग्री लेना है तो उनको डिग्री कब मिलेगा, तो ऐसा माना जाता है कि कन्वोकेशन के बाद सारे लोगों को डिग्री है वो मिलना शुरू हो जाता है। तो कन्वोकेशन अगर इस महीने हो जाती है तो इस महीने के बाद में या फिर अगले साल आपको जनवरी में डिग्री है वो मिल जाएगी, आप चाहे तो यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। पेमेंट के बारे में बात करें कि जो ज़्यादा पेमेंट देकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे, अगर आपको डिग्री अब सेंटिया मोड में ही मिलेगा तो 1500 में ही मिल जाता, लेकिन अब अगर 2700 रुपया पे किए हैं तो आपके पैसे का क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी या फिर आपका चूना लग गया है, ये तो यूनिवर्सिटी ही बताएगी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पैसे आपको रिफंड नहीं होने वाले हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पैसा रिफंड करवाना उतना ही मुश्किल है जैसे बाघ के जबड़े से शिकार को छीन लेना। मान करके चलो कि आपको चूना है वो लग गया है, कि आपको बात करना होगा यूनिवर्सिटी जाकर के क्या बोलते हैं, अगर किन्हीं को कोई जानकारी मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिहार है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ,
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।